Hi everyone, नेम name लोकेन Lokin एंड आई I'll बी डीलिंग with योर सिलेबस ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 10. तो हम क्लास टेंथ के सिलेबस की यदि बात करते हैं तो क्लास टेंथ का सिलेबस हमने छह अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट थर्ड चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर आर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली और जो आखिरी चैप्टर है दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड इन सारे चैप्टर से पहले कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना चाहिए तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन्हीं बेसिक कंसेप्ट में से एक से जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स की यदि बात कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी से ही शुरुआत करनी चाहिए यदि मैं आपसे पूछूं क्या है फिजिकल क्वांटिटी तो हम कहेंगे कि हर ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है नापा जा सकता है तोला जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं जैसे कोई आपके पास एक रॉड है आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है बेहद सिंपल सा काम है आप एक मेजरिंग टेप लेंगे एक रूलर लेंगे और उससे आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी पर्सन का मास मेजर करना है क्या करेंगे वेइंग मशीन पे वो खड़ा हो जाएगा आपको उससे उसका मास मिल जाएगा सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी किसी पर्सन को बुखार है उसका आपको टेम्परेचर चेक करना है तो क्या करेंगे एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लेंगे उससे उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा तो टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है सो टेम्परेचर इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी सो इन शॉर्ट एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी टेकन एज अ फिजिकल क्वांटिटी तो भाई ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता तो हम कहेंगे गुस्सा या ट्रस्ट आप उसे मेजर नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, मुझे इस पे दो किलो भरोसा है फ्रेंडशिप यू के नॉट मेजर ट्रस्ट यू के नॉट मेजर दू के तो ये बात हुई हमारी फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है as scalar quantities and vector quantities the physical quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities jaise ki yadi baat kare hum distance aur speed ki distance iski koi fixed direction nahi hoti yadi aap maan lijiye point a se lekar b tak jane ke liye ye wala path choose kare या फिर ये वाला पाथ choose करें दोनों ही पाथ के लिए distance की value अलग अलग होगी और distance की कोई direction नहीं होती जबकि यदि बात करें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे लॉज ऑफ़ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि यदि बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट तो पॉइंट ए से लेकर बी तक जाने के लिए मान लीजिए ये वाला पाथ है ठीक है या फिर ये वाला पाथ है जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज

तो आइए जरा अपन इसको समझते हैं मान लीजिए हम एक ब्लॉक लेते हैं और मैं इस तरफ इस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूं फाइव न्यूटन का टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट की तरफ मैं अप्लाई करता हूं थ्री न्यूटन का फोर्स सो वॉट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक तो आप कहेंगे सीधी सी बात है हमको बचपन से सिखाया गया है कि जब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो, तो नेट फोर्स होता है उसको हम माइनस कर देते हैं तो नेट फोर्स हो जाएगा सर पांच न्यूटन राइट में माइनस तीन न्यूटन लेफ्ट में मतलब कि दो न्यूटन किस डायरेक्शन में तो हम कहेंगे टूवर्ड्स राइट अच्छा अब मैं काम करता हूं मैंने यहां पर एक कटोरा ले लिया एक बीकर ले लिया मैं इसमें सबसे पहले एक लीटर पानी डालता हूं ठीक है तो मैंने एक लीटर पानी डाला लेफ्ट तरफ से अब मैं इधर से इसमें दो लीटर पानी और डालता हूं तो लो भाई इतना भर गया ये बीकर मैंने दो लीटर पानी डाल दिया तो अब इस बीकर के अंदर कितना पानी मौजूद है तो अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो तीन लीटर पानी मौजूद है नहीं क्यों भैया ऐसा क्यों किया आपने आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये देखो एक लीटर तो आपने लेफ्ट साइड राइट से डाला था ठीक है दूसरा जो है आपने राइट से लेफ्ट ऐसे डाला था तो हमें दोनों को माइनस करना चाहिए नहीं तो फिर इस तरह का भेदभाव क्यों तो हमने कहा इन क्वांटिटीज़ और ये जो क्वांटिटी यहां पर है इन दोनों में एक चीज का फर्क है वो ये कि ये जो है फोर्स वो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो है हमारी वॉल्यूम दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज इसको ट्रीट करने का तरीका अलग होता है

और उसमें मैंने ऐड कर दिया है माइनस थ्री न्यूटन और मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है पॉजिटिव में टू न्यूटन क्योंकि मैंने राइट right डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था इसीलिए मैंने कहा कि मेरा जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी टूवर्ड्स राइट right ही आएगी अब बात करते हैं एक ऐसी क्वांटिटी की जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और हमने उसमें डायरेक्शन भी हमेशा पढ़ा है पर वो है एक्चुअली में एक स्केलर क्वांटिटी तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की मान लीजिए अब यहाँ पर हमारे पास तीन वायर्स हैं एक वायर में दो न्यू दो एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है और दूसरे में तीन एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है ये यहां से एक ज्वाइंट है और ये तीसरा वायर यहाँ पर जा रहा है तो यदि यहां से तीन एम्पियर आ रहा है और यहाँ से दो एम्पियर आ रहा है सो वॉट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई दो एम्पियर आ रहा है यहां से तीन एम्पियर आ रहा है यहां से तो इसमें जो करंट होगा वो होगा टू प्लस थ्री यानी कि फाइव एम्पियर

ऐसा चलता हुआ जा रहा है देखो नीले रंग का करंट चलता हुआ जा रहा है नहीं हमने ऐसा नहीं देखा है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज स्केलर क्वांटिटी तो आइए अब हम इस कंसेप्ट पे करते हैं कुछ क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये है कि द फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ करंट द मैग्निट्यूड ऑफ करंट इज शोन द वैल्यू ऑफ करंट आई तो मैं सबसे पहले आपको मौका दूंगा कि आप इसे सेल्फ अटेम्प्ट कर लें और इसको आप पॉज कर यहां कर सकते हैं इस वीडियो को और आप इसे सेल्फ अटेम्प्ट करें और फिर मैं अब इसे सॉल्व करने जा रहा हूं तो आइए इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से मैंने कहा कि 12 एम्पियर का करंट जो है वो यहाँ आ रहा है उसमें से 8 एम्पियर इधर निकल गया तो भाई यहां कितना जाएगा तो सिंपल सा फंडा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बारह है उसमें से आठ चला गया सिंपल मैथामेटिक्स लगाए सिंपल जो हमारा ट्रैक्शन होता है तो यहां पर आ जाएगा एम्पियर अच्छा अब इस वाले जंक्शन पे बात करें इस वाले पे तीन से तो यहां तो कहेंगे इस जंक्शन पे, पे आठ एम्पियर आ रहा है यहां से पांच एम्पियर आ रहा है यहां से तो यहां कितना जाएगा तो हमने कहा यहां जाएगा थर्टीन एम्पियर अच्छा अब ये लास्ट इस जंक्शन पे बात करें तो थर्टीन एम्पियर आ रहा है यहां से सेवन एम्पियर करंट आ रहा है यहां से तो इसमें कितना जाएगा तो हम कहेंगे दोनों तो को ऐड कर देते हैं दैट दैट इज प्लस कम्स आउट टू बी एम्पियर तो ये आ गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर तो आइए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में भी हमें इस करंट आई की वैल्यू बतानी है सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को एक सेल्फ अटेम्प्ट दें एंड देन आई जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आइए अब इसे मैं सॉल्व करता हूं यहां पर तो मैंने कहा यहां से दो एम्पियर का करंट जा रहा है और यहां से भी दो एम्पियर का करंट जा रहा है तो यहां कितना करंट जाएगा तो हम कहेंगे यहां पर जाएगा भाई टू प्लस टू यानी कि अच्छा अब बात करते हैं इस वाले जंक्शन की यहां से आ रहा था 4 से एक एम्पियर करंट यहां निकल गया तो यहां कितना बचा तो फोर माइनस वन यानी कि थ्री एम्पियर अब इस जंक्शन पे यहां से आ रहा था तीन एम्पियर उसमें से वन पॉइंट थ्री एम्पियर इधर चला गया तो एक्चुअली में इधर कितना बचा तो हम कहेंगे थ्री माइनस में वन पॉइंट थ्री यानी कि आगे आंसर हमारा कितना रेशो क्या होता है? है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्पीड इज अ रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड बराबर होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्पीड इज अ रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम हम कहेंगे नहीं रेशो इज समथिंग दैट इज यूज टू कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज आप दो डिफरेंट मासेस को कंपेयर कर सकते हो आप दो लेंथ को कंपेयर कर सकते हो आप कभी भी लेंथ को टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते जैसे कि सब्जी खरीदने तो गए होंगे ना कभी आप सब्जी या फ्रूट्स खरीदने गए हो ठीक है फ्रूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं है ना आप एक ठेले पे जाते हैं वहां पे एक बंदा जो है वो केले बेच रहा था है ना आप उसे पूछते हैं कि भाई ये केले के अभाव दिए तो उसने कहा तीस रुपए किलो फिर आप बिल्कुल एकदम बगल में जाते हैं अब आम का सीजन आने वाला है राइट गर्मी आने वाली है तो एकदम बगल वाले ठेले पे जाते हैं आप पूछते हैं कि भाई आम क्या तुमने दिए रेट तो वो कह रहा है अस्सी रुपए किलो तो आप उससे लड़ने थोड़ी लग जाते हैं कि ऐसे कैसे अस्सी रुपए किलो वो तो केले तीस रुपए किलो में दे रहा है तुम तो आम अस्सी रुपए किलो कैसे बेच सकते हो सो यू कैन नॉट कंपेयर द प्राइस ऑफ अ बनाना विद द प्राइस ऑफ अ मैंगो इन अ सेम वे यू कैन नॉट कंपेयर वन फिजिकल क्वांटिटी विद एंटायरली अनदर फिजिकल क्वांटिटी हां आप दो अलग अलग सेम फिजिकल क्वांटिटीज मतलब बेसिकली जो हैं, दो डिफरेंट अलग अलग लोगों की जो एक सेम फिजिकल क्वांटिटी वाला फैक्टर है उन्हें आप कंपेयर कर सकते हो आप ये बोल सकते हो कि हाँ इस पर्सन ने इतनी लेंथ कवर करी है और इस पर्सन ने कितनी लेंथ कवर करी है तो दोनों ने जितनी जितनी लेंथ कवर करी है हम उनका रेशो ले सकते हैं सो ध्यान रहे ये बात कि रेशो हमेशा दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करने के काम आता है यही कारण होता है कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती तो आइए अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें जानना बहुत ज्यादा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब इसमें हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चीजों की यूनिट बतानी होती है जैसे कि एस आई यूनिट वी आर वेल अवेयर ऑफ इट सी जी एस यूनिट क्या होता है एफ पी एस सिस्टम क्या होता है तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सिस्टम दैट इज एफ पी एस सिस्टम एफ पी एस सिस्टम जैसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है तो ये भय बहुत पुराने समय की बात जब लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में मास को मेजर किया जाता था पाउंड्स में और टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड में तो उस तरह के या उस समय का जो सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ करता था उसे एफ सिस्टम कहा जाता था दूसरे तरह के सिस्टम की बात करते हैं दैट इज सीजीएस सिस्टम सी सिस्टम को हम गौशियन सिस्टम भी कहते हैं जब लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था तो इस सिस्टम यूनिट को नाम दिया गया सीजीएस सिस्टम फिर आया तीसरा जो सबसे मॉडर्न था दैट वाज एमकेएस एमकेएस या फिर इसे मैट्रिक सिस्टम भी नाम दिया गया जब लेंथ को मीटर में मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर किए जाने लग गया तो उसे नाम दिया गया मैट्रिक सिस्टम मैट्रिक सिस्टम जिसे आगे चलकर हमने एसआई SI यूनिट्स में भी अडॉप्ट किया है तो अब ये सारे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट ना इस्तेमाल करके एक कॉमन इस्तेमाल की जाती है दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारा दैट आर नोन एज द एस आई सिस्टम तो हमें सी जी एस की बहुत ज्यादा यहाँ जरूरत पड़ेगी और एम के एस या हम बात यूनिट्स SI की जरूरत पड़ेगी एफ पी एस स्टडी करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है जैसे कि अभी हम बात कर लें जैसे डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस की एस आई यूनिट जो है वो क्या है तो हमने का डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर जबकि इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो दैट इज सेंटीमीटर फोर्स की बात कर लेते हैं फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज न्यूटन फोर्स की सीजीएस यूनिट की यदि बात करें तो दैट इज डाइन और इनका कन्वर्जन फैक्टर होता है कि वन न्यूटन होता है टेन की पावर फाइव डाइन ठीक है इसी तरीके से डेंसिटी की बात कर लेते हैं डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है दैट इज केजी पर मीटर क्यूब जबकि डेंसिटी की यदि अपन सी की बात करें तो वो होता है ग्राम पर सीसी यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अब हम कुछ यहां पर प्रीफिक्सेस की बात करते हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है जैसे कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं उससे स्टडी करें सबसे पहले अपन तो यदि मैं आपसे बोलूं कि वन किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप कहेंगे बेहद सिंपल सा सवाल है इसमें होते हैं थाउजेंड मीटर ओके यदि मैं आपसे कहूं कि वन किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो आप कहेंगे ये भी बेहद सिंपल सा सवाल है वो होते हैं थाउजेंड ग्राम अच्छा ये वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमने कहा दैट इज हंड्रेड सेंटीमीटर अच्छा यदि मैं आपसे इसका कन्वर्स पूछूं कि बताओ वन सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप कहेंगे वो होगा वन अपॉन हंड्रेड मीटर मतलब कि जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर या इसको मैं टेन की पावर्स में लिखूं तो लिख सकता हूं टेन की पावर माइनस टू मीटर ठीक है इसी तरीके से यदि मैं आपसे बोलूं कि वन मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं आप कहेंगे वो जाएंगे 10 की पावर माइनस -3 मीटर अच्छा इस वाले में और यहां पर इन दोनों में मीटर और यहां पर ग्राम ये यूनिट है जबकि यहां पे किलो और यहां पर भी जो किलो है दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्स सिमिलरली मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ जबकि सेंटीमीटर में सेंटी और मिलीमीटर में मिली दीस आर एक्चुअली द प्रीफिक्स ठीक है तो यहां पर बहुत सारे प्रीफिक्सेस की हम एक टेबल बना लेते हैं कि किस प्रीफिक्स का क्या मतलब निकलता है ताकि डायरेक्टली हम उस चीज को यहां पर लिख सकें और ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी जैसे यदि हम अभी स्टडी करेंगे वन माइक्रो एम्पियर तो दिस इज द सिंबल फॉर माइक्रो इसे प्रोनाउंस किया जा सकता है एज म्यू ठीक है, जैसे बिल्ली म्यू करती है उस तरीके से म्यू राइट तो वन माइक्रो एम्पियर जो होता है दैट इज इक्वल टू टेन रेस द पावर माइनस सिक्स एम्पियर तो हमने कहा ये जो माइक्रो प्रीफिक्स है इस माइक्रो प्रीफिक्स का मतलब होता है टेन की पावर माइनस सिक्स तो आइए एक टेबल बना लेते हैं और ये टेबल हम पॉजिटिव पावर्स और नेगेटिव पावर्स दोनों की अलग अलग बना लेते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे इस पूरे चैप्टर में भी और इवन बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व जब भी हम करते हैं जहां पर बहुत स्मॉलर वैल्यूज आ रही होती हैं तो वहां पर हम आंसर इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स दे सकते हैं तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई है जिसमें टेन की पावर माइनस का मतलब होता है डेसी टेन की पावर माइनस टू इज सेंटी टेन की पावर माइनस थ्री इज मिली टेन की पावर माइनस सिक्स इज माइक्रो फिर उसके बाद माइनस वन टू थ्री के बाद हम तीन की टेबल चला सकते हैं राइट right? फेमटो की यदि बात करें तो यहाँ पर फेमटो में हम फर्मी भी कह देते हैं इसको इसके अलावा आप एक प्रीफिक्स और लिख सकते हैं नेगेटिव पावर्स में जो बहुत ज्यादा काम आती है बहुत ही स्मॉल जो होते हैं हमारे लेंथ उनके लिए दैट इज एंगस्ट्रॉम स्ट्रॉन्ग वन एंग होता है टेन की पावर माइनस 10 मीटर सो दिस इज प्रनाउंसड एज एंगस्ट्रॉम तो ये तो हुई हमारी नेगेटिव पावर्स और ये हैं हमारी पॉजिटिव पावर्स जिसमें 10 की पावर 1 को हम कहते हैं डेका 10 की पावर 2 को हेक्टा फिर 10 की पावर 3 किलो फिर 3 की टेबल चलेगी 6 3 10 की पावर 9 10 की पावर 12 10 की पावर 15 और 18 ये सारे जो हैं टर्म्स इनसे आप बढ़िया अच्छे तरीके से परिचित होंगे किलो मेगा गीगा टेरा एक्चल इसी का जमाना चल रहा है एक्चुअली हम बात देखें तो के बी फिर आ जाता है हमारा एम बी एम बी से बड़ा होता है जी बी फिर जी बी से बड़ा होता है टीबी वन टी बी के हार्ड डिस्क है दो टी बी के हार्ड डिस्क है लाइक दैट राइट तो ये जो दो टेबल्स हैं दीज आर ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस फॉर अस इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपको करना चाहिए ताकि आपको ये सारी प्रीफिक्सेस याद भी हो जाएं और अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे जिनमें बहुत ही स्मॉल वैल्यूज यूज हो रही होंगी उन सभी जगह पर हम इन प्रीफिक्सेस का ही यूज करेंगे